नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्वाइस सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है अर्श के फर्श तक नंबर वन रहा पंजाब विश्वविद्यालय, आज 176वें रैंक पर है। बीते 8 से 10 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी अपना वजूद खोता जा रहा है, इसकी वजह यूनिवर्सिटी का स्टेटस है। दरअसल पिछले 3 सालों में यूनिवर्सिटी का नाम विवादों में ज्यादा और उपलब्धियों में कम रहा है। आपको बता दें कि इस समय PU कुलपति के अलावा कोई भी पद स्थायी तौर पर नहीं भरा गया है। रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, सुरक्षा प्रमुख, NSS कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स सहित सभी पद अस्थाई नियुक्तियों के सहारे चल रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को 3 सालों में समय पर ग्रांट तक नहीं मिली है और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। वहीं PU प्रशासन वेबिनार करवाकर अपनी पीठ थपथपाता है मगर उपलब्धि कोई भी नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में शैक्षिक नियुक्तियों में एक दल विशेष की भर्तियां भी विवाद और शैक्षिक माहौल खराब करने की वजह बनी है। यहां शिक्षकों की कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। कैंपस में रेगुलर शिक्षकों की संख्या आधी होकर करीब 700 रह गई है, जबकि 10 सालों में विभागों की संख्या 47 से बढ़कर 70 हो चुकी है। बीते 8 महीनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट नहीं है, सभी अधिकार पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति ने अपने पास रखे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में करीब 40 करोड़ से बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल का काम बीते 10 सालों में लटका हुआ है, जिसकी निर्माण लागत 70 करोड़ रुपए हो चुकी है। और पंजाब डिबेट की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ चीफ एडिटर ITV नेटवर्क के अजय शुक्ला जुड़ चुके हैं। अजय, ओवर टू यू। धन्यवाद। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में प्रोफेसर मंजीत सिंह हैं, प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार जी हैं, मेरे साथ में सीनेट के पूर्व मेंबर और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता HS लक्की साहब हैं, मेरे साथ में ABVP के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद रहे हैं BJP के सौरभ जोशी जी हैं। मैं सबसे पहले मंजीत जी के पास आना चाहूंगा। मंजीत जी, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी देश की शान थी। देश की आजादी के पहले से लेकर के इस यूनिवर्सिटी ने इतने बड़े बड़े लोग नाम दिए हैं, चाहे लाला लाजपत राय का नाम हो, चाहे किसी अन्य दूसरे का नाम हो, तो इतने बड़े नाम हैं, नोबेल पुरस्कार से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक जैसे इतने बड़े अर्थशास्त्री तक, सब कुछ देने का श्रेय है इसको। इसने 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिए हैं, तमाम सारे साइंटिस्ट दिए हैं। मैं नाम लेने में करूंगा तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसे गिना नहीं पाऊंगा। इतने अच्छी यूनिवर्सिटी जो 2013 में रैंकिंग में नंबर 1 पे आती है, वही यूनिवर्सिटी आते आते अब 2021 में 176-175 नंबर पे आ जाती है। तो ये स्थिति में जब पहुंच गई है, और आप लोग इस यूनिवर्सिटी के वो लोग हैं जिन्होंने इसे बनाने में योगदान दिया है, तो आज ये इसकी बर्बाद होते इस यूनिवर्सिटी को देख करके आपको पीड़ा नहीं होती, इसको लेकर के कोई आवाज नहीं उठती, क्या वजह है? क्या लगता है सब सत्ता के आगे झुक गए हैं, या कोई लालच है, या कोई और बात है? जी मंजीत जी। शुक्ला जी, मैं 42 साल पहले से इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं MPhil PhD यहाँ से किया, उसके बाद मैं 20-25 साल यहाँ पढ़ाया भी है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्दशा इस यूनिवर्सिटी की मैं कभी देखी नहीं। वाइस चांसलर अब ऐसे चुने जाते हैं पिछले समय से कि वो RSS के लोगों को पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा उस आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाला, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस किस्म की भर्ती करने वाला, उस किस्म के एजेंडे एजुकेशन को लागू करने वाला कौन इंसान हो सकता है, वो पूरे देश से ढूंढ के ले आकर के यूनिवर्सिटियों में लगाया जाता है। इसी तरीके से ही, इसी सोच से, इसी प्रक्रिया से ये अभी वाले वाइस चांसलर, जिसको सेकेंड टर्म की एक्सटेंशन मिल चुकी है, 3 साल में ही इतना यूनिवर्सिटी को राजकुमार जी ने गिरा दिया है, उसको शाबाशी दी है इस सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, कि आप जो बाकी इसमें सांस बचे हुए हैं वो अगर खत्म कर दोगे तो हम आपको पूरे का पूरा गोल्ड मेडल देंगे, हो सकता राज्यसभा में ले जाएं।
ये आपने सही कहा कि देश जी, मैं आपके पास आता हूँ, मृत्युंजय जी से भी इस पे कमेंट ले लेता हूँ। मृत्युंजय जी, आप पूटा के चूंकि अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से एक गर्व के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में आए होंगे, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, आज यहाँ के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज कि शिक्षक जो हैं आज आधे हो गए, डिपार्टमेंट करीब करीब डबल हो गए हैं लेकिन शिक्षक आधे हो गए, तो निश्चित रूप से शैक्षिक स्तर क्या होगा इस चीज को समझा जा सकता है। इसके अलावा बाकी रिसर्च और दूसरे प्रोजेक्ट्स और सारी चीजें बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के साथ में, अपने लोगों के साथ में, उस इंस्टीट्यूशन के साथ में एक अन्याय हो रहा है और आवाज बननी चाहिए? जी मृत्युंजय जी। अजय जी थैंक यू सबसे पहले कि आप इस तरह के मुद्दों पर खुल करके चर्चा और बहस कर रहे हैं। आधे नहीं हो गए, 1500 से 1600 की जगह शिक्षक 600 के आसपास आ गए, और वो भी कुछ ऐसे शिक्षक जो हाईकोर्ट की वजह से टिके हुए हैं, नहीं तो ये संख्या 500 के आसपास आ जाती। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां शिक्षक एक है या नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो स्थिति है, पेंडेमिक तो एक बहाना है। पिछले एक साल में इतनी संघर्ष मैं करीब 10 साल से पूटा में हूं, लेकिन पिछले एक साल से मैं उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा हूं जो कि रूटीन में हो जाती थी। जैसे कैश की केसेस दबाए गए, जैसे सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, जैसे कि अब आपको मैं बताऊं कि प्लेसमेंट जो एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बेसिस पर विद्यार्थी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, ये स्थिति बहुत अच्छी थी कुछ दिनों तक। कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हमारा कंपटीशन ट्राई सिटी में और उसके आसपास प्राइवेट प्लेयर से हो रहा है। तो इस समय वाइस चांसलर साहब को और जो लीडरशिप है पंजाब यूनिवर्सिटी को, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था, उनको आगे से लीड करने की जरूरत थी, बट दुर्भाग्य है कि वो चीज नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थी धीरे धीरे अपना एक मतलब रास्ता खो रहे हैं। पिछले एक साल से ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी बंद पड़ा हुआ है, कभी भी स्टेक होल्डर्स को बुला करके इस चीज को डिबेट करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जब आप कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो नेचुरली उसको कुछ चीज यहाँ पता नहीं होता है। तो यू शुड डिस्कस विद द स्टेक होल्डर्स सो हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरह की सिनेरियो यहाँ है और किस तरह से हम आगे बढ़े। तो मेरा ये कहना है कि विद्यार्थी एक निराशाजनक स्थिति में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनको अभी जो है वो होप नहीं है। अभी तो सबसे बड़ा यह है कि कब विद्यालय खुले, यूनिवर्सिटी खुले और उस काम को आगे बढ़ाए। चलिए मैं आगे आता हूं आपके पास। मैं सबसे बड़ी मैं लक्की साहब, आप सीनेट के मेंबर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा कि आज सीनेट काम नहीं कर रही है, सीनेटर्स नहीं है, दूसरी और चीजें नहीं है, सारी चीजें मनमानी की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी को ऐसे बर्बाद होते कभी क्या आपने कभी पहले देखा था? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से स्टूडेंट्स और दूसरे सारे लोगों के हक मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से मनमानी कॉन्ट्रैक्ट पे या दूसरी तरीके से भर्तियां की जा रही हैं, लोगों को बैठाया जा रहा है, हाई कोर्ट से लताड़ लग रही हो वाइस चांसलर को, जुर्माने लग रहे हो, ऐसी स्थितियां हो क्या आपने कभी देखी थी? और क्या ये बर्बाद होते यूनिवर्सिटी को देखकर? आप भी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं तो क्या अच्छा लगता है, सीनेट कर रहे हैं अच्छा लगता है और इसको लेके आवाज नहीं बनना चाहिए? जी अजय भाई, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे अजीम संस्थान का एक स्टूडेंट भी रहा और यहाँ पर इसकी गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर रहा, जिसमें सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर रहा। पर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत दुख हो रहा है, जब पूरी तरह से शैक्षणिक और प्रशासनिक जो है इसकी व्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, जो इसकी डिटोरेशन आया है एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन के अंदर, उससे सच में मन बहुत ही दुखी और व्यथित है। और खास तौर पर जब से ये वाइस चांसलर आए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ इसको एक नाम लेकर कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अड्डा बनाने का काम किया, जब यहाँ पर भर्तियां ये सोचने लगे सिर्फ एक विशेष पार्टी को हमने यहाँ पर सिर्फ उनके लोगों को तरजीह देनी है, तो ऐसी स्थिति एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आनी स्वाभाविक है। रही बात दूसरी, पिछले 2 साल से लगभग कोई भी जितने स्टेक होल्डर्स, जैसे जो पुट्टा के प्रेसिडेंट और उससे पहले बोलते हुए मंजीत जी जो कि बहुत वरिष्ठ शिक्षक भी हैं और वो भी पुट्टा के यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी आपको बताया
ना कोई रिसर्च हो रही है, ना कोई हॉस्टल्स खुले हैं, ना कोई शैक्षणिक संस्थान खुले हैं, और बहाना कोविड का बनाया जा रहा है, ना किसी स्टेक होल्डर से बात की जा रही। हम जैसे व्यक्ति भी दो दो बार सेनेट के मेंबर रहे हैं, सिंडिकेट के मेंबर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर अपॉइंट होकर राजकुमार जी आते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि यूपी से है या बिहार से है, आप भी यूपी से हैं, मगर यहाँ पर आए, आपने चंडीगढ़ को अपना घर बनाया, यहाँ के लोगों की बातों को समझने की कोशिश की, यहाँ की समस्याओं को जाना, और आज एक मंच दे रहे हो लोगों को यहाँ पर ट्राई सिटी के अंदर, यहाँ की समस्याओं को उठा रहे हो। ये होता है प्रोएक्टिव होकर काम करना। जबकि वाइस चांसलर का मैं साफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की लोगों से बात करने की, मगर एक बात पता चली है कि उन्होंने जो एक फोर्टेस बना दिया अपनी कोठी को भी, वहां पर एक किले के रूप में बना दिया है, और वो एक वाइस चांसलर कम और एक डीजीपी ज्यादा बनकर रह गए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्तर गिर रहा है, पहली रैंकिंग से 173वें पे रैंकिंग पे आना, कोई टीचरों की भर्ती ना होना, कोई स्टूडेंट्स के बारे में ना सोचना, रिसर्च बंद हो जाना, इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती। और हमें फौरी तौर पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें वो कहते ना कि एक लाइफ इंजेक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी को जरूरत है, नहीं तो ये इतना पुराना इंस्टीट्यूशन कहीं धीरे धीरे खत्म ना हो जाए, और मुझे दुख खत्म ना हो जाए। मैं चलिए मैं सौरभ के पास जाना चाहूंगा। सौरभ, आप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को रिप्रेजेंट भी करते रहे, उसके अध्यक्ष रहे, उसके अलावा आप चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ के मुद्दों को लेकर के यहाँ पार्षद रहे, उस क्षेत्र के पार्षद रहे जहाँ यूनिवर्सिटी आती है। इन सबके बाद में जो यूनिवर्सिटी की आज दशा है, उसके एक स्टूडेंट के तौर पे, एक छात्रों की आवाज बनने के तौर पे, और आप भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के तौर पे, आप लोगों को क्या इस बात की तकलीफ नहीं होती है कि शिक्षा आज यहाँ पर बर्बाद हो रही है, यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रही, वो यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रही है जिसने सौरभ जोशी को भी एक पहचान दी, वो यूनिवर्सिटी आज बर्बाद हो रही है, इसको लेकर के आपने अपने, चूंकि अब सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आप गवर्नर आपका है, दूसरी चीजें, तो ऐसी स्थिति में इसको आवाज ले बनाने का काम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं आपने यहां से रिजोल्यूशन भेजा कि नहीं हमें इसे एक शैक्षिक माहौल बनाना है, हमें सारी चीजों को सही करना है, कार्यवाहक लोगों से हमें यूनिवर्सिटी नहीं चलानी है, हमें यूनिवर्सिटी को बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है और एक बेहतर यूनिवर्सिटी बनाना है, यहाँ के शिक्षकों की राय लेनी है, यहाँ के स्टूडेंट्स की राय लेनी है, क्यों नहीं ऐसा हुआ? सौरभ, सर्वप्रथम मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं जहां पर देश को बनाने का काम जो इंस्टीट्यूशंस करती है उस तरफ इंडिया न्यूज ने ध्यान दिया, और आपने आज जो जिस मुद्दे पे बहस रखी है, अनफॉर्चुनेटली जो आपने शुरुआत की है, मैं यही देखता रहा स्क्रीन पे कि कब मुझे ये बताया जाएगा कि ये जो 176 रैंक है कौन सी एजेंसी ने दी, क्योंकि मैं हैरान हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं भी आपको डेटा निकाल के देना चाहता हूँ, आप हैरान होंगे, मुझे था कि आज आप अगर रैंक की बात करेंगे, और मैं देख रहा हूँ मेरे से बड़े शिक्षाविद बैठे हैं यहाँ पर, और हर कोई नीतियों की बात नहीं कर रहे, वो किस तरफ जा रहे हैं, भाजपा और आरएसएस, आपका पार्टी के साथ लड़ाई करना समझ आता है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों को अगर आप राजनीतिक दलों का अड्डा बनाते हैं वो गलत है। अब शुक्ला जी, मैं बताना चाहता हूं कि 2020 का मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पंजाब विश्वविद्यालय को ARIIA ने दूसरा रैंक मिला है, ये उसका सबूत है, आप खुद देख भी सकते हैं। मुझे था कि आज हमें ये बोला जाएगा कि बधाई हो कि कहीं ना कहीं आज 2021 की जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है उसमें आपकी 175 रैंकिंग है, इसके अलावा आप जो पिछले बार था उससे आप 26 रैंक नीचे आए हैं, इसके साथ साथ आपकी जो खुद भारत सरकार की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की है उसमें आपकी रैंकिंग नीचे गई है। जी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं ये जानना चाहता था, उसका भी मैंने डेटा निकाला, आप जिस टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात कर रहे हैं उसमें 176 कहीं नहीं दिया गया, उसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बताया गया है, उसमें एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बताया गया है, एक मिनट दीजिएगा, और इमर्जिंग इकोनॉमीज के बारे में दिया गया है, और इन इंडिया बताया गया है। आपको खुशी होगी
जहां पे इतनी सारे विश्वविद्यालय हैं हमारे भारत में, वहां पे इसी टाइम्स का जिसका आप रेफरेंस ले रहे हैं पांचवा रैंक आया है। अब ये क्यों भूल गए कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी, आपको एक और बताता हूं शुक्ला जी, इसका यूनिवर्सिटी का इतिहास में से ज्यादा जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि ये जब देश बना नहीं था उससे पहले की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी लाहौर से आई थी, 1800 में इसका बना था इस यूनिवर्सिटी का, उस समय 1883 में, उसमें देश भर में क्या बल्कि विदेशों में कितनी यूनिवर्सिटियां होती थी, गिनी चुनी होती थी, कम होती थी। और आज आज अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड को उठाकर तो आपको तकरीबन 50,000 यूनिवर्सिटीज मिलेगी और उसके बावजूद हम कंपीट कर रहे हैं। अब देखिए आप एक मुद्दे पे मैं आपके आना चाहता हूं, बड़ा टेक्निकल सा मैं आपके पास रखने वाला हूं। मुझे था कि यहां पे टेक्निकल बहस होगी क्योंकि शिक्षाविद बैठे, अनफॉर्चुनेटली उनका विषय आरएसएस और बीजेपी की तरफ जा रहा है, उनका विषय आपका ग्रह जा रहा है वाइस चांसलर की तरफ। मेरा वाइस चांसलर की तरफ से बड़ा आदर सम्मान है और मैं विश्वविद्यालय के सारे शिक्षकों का आदर सम्मान करता हूं, क्योंकि आज सौरभ जोशी जो है वो इस पंजाब विश्वविद्यालय की देन है और इन्हीं शिक्षकों का जो इस पैनल पे भी बैठे उनकी देन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ओवरऑल स्कोर का जो माध्यम होता है, जो रैंकिंग सिस्टम चलती है, वो इंप्रूव हुई है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा पैरामीटर होता है स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। सौरभ सिर्फ वेबिनार कर लेने से यूनिवर्सिटी नहीं बेहतर बन जाती है, वहां से प्रोडक्ट निकलने चाहिए, वहां से प्रतिभाएं निकलनी चाहिए। और पिछले दिनों में कोई प्रतिभा गिरा दीजिए ना, प्रतिभा आइए उसके आइए। अगस्त 2019 में मौलाना आजाद कलाम आजाद ट्रॉफी होती है, पहली बार पंजाब विश्वविद्यालय जीत के लाती है, वो छात्र जीत के लाते हैं। फरवरी 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती है तो 46 मेडल पहली बार जीत के आते हैं। हम गर्व करने के बजाय हम क्यों लाने मारते हैं, हम अपनी चीजों पे गर्व क्यों नहीं करना सीखते हैं, इस देश की मिट्टी से प्यार करना क्यों नहीं सीखते हैं। चलिए मैं मंजीत जी के पास जाता हूँ। मंजीत जी, हम क्यों नहीं गर्व करते हैं जैसा सौरभ का कहना है, और क्यों नहीं हम इसको उपलब्धि मानते हैं कि इतना बेहतरीन कर दिया? अब आप बताएं इसमें स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, क्योंकि आप सच देख रहे हैं। मैं कभी किसी पर निजी बहस नहीं करता हूं। मुझे अफसोस है कि मुझे यहाँ वाइस चांसलर पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ रही है। मैं उसका कुछ आपको तजर्बा बताता हूं। मुझे जो इसके पहले वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि अब आप रिटायर तो हो चुके हैं लेकिन फैकल्टी कम है, अगर आप फ्री क्लासेस बच्चों की ले सको तो हमें अच्छा लगेगा, हम आपको एक साल की रिक्वेस्ट करते हैं। डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट को मान के मुझे कहा गया और मैं वो क्लासें ले रहा था। जब ये वीसी साहब आए, इन्होंने मेरा सामान उठवा के बाहर फेंक दिया, वीडियोग्राफी किया गया और फैकल्टी को एक किस्म का दबाव डाला गया कि अगर आप इसको चार दिन भी और डिपार्टमेंट में रखते हैं मुफ्त पढ़ाई करवाने के लिए, नॉट ए सिंगल पेनी आई वाज चार्जिंग, तो बाहर फेंक दिया गया। अब इससे ज्यादा कोई तजर्बा तो किसी का निजी हो नहीं सकता। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, ये गरीबों का सेंटर है, मैंने एस्टेब्लिश करवाया यूजीसी से, अंबेडकर सेंटर मैंने वहां इस यूनिवर्सिटी को दिया जब रहा। अब उनकी हालत क्या है बताओ ना। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन के जो असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, पीएचडी किया हुआ है, 8-8, 10-10, 12-12 साल से लगे हुए हैं, 8 महीने से तनख्वाह नहीं दिया गया है। और जब मैं वाइस चांसलर को उस मेरे सामान बाहर फेंकने के बाद लगातार 3 बार दफ्तर में जाके बैठ बैठ के मीटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट किया, मेरे सामने से उठ के चले जाते थे, मिलते नहीं थे। कमाल की बात है, एक एक्स पूटा प्रेसिडेंट को आप मिलना नहीं चाहते हो? ये वीसी नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल आरएसएस का आदमी यहां त्रिशूल अपनी कोठी पर लगा के बैठा है और इसका इसका और कोई कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं कभी किसी को निजी ऐसे चलिए मैं आता हूं इसी बात पर। मंजीत जी, मैं मृत्युंजय जी के पास आता हूं कि जब इतना निकृष्ट व्यवहार उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जिसने चंडीगढ़ की में पंजाब यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में एक बड़ा योगदान दिया, जो मुफ्त में योगदान दे रहा है, यदि उसके साथ इस तरह से होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो कितना उसका हित सोचता होगा, कितना अहित सोचता होगा, इस बारे में आप बताएंगे। जी मृत्युंजय जी, अजय जी, परसेप्शन ओवरनाइट नहीं बनती,
पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं 17 साल से जुड़ा हुआ हूं, मैं बिहार से आया हूं, जेएनयू के रास्ते में यहां तक पहुंचा, मुझे गर्व है। ये बताने की जरूरत नहीं है दुनिया को कि मुझे कितना गर्व है, वो हमारे कर्म से होता है। और आज मैं बिहार से आकर के पंजाब यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया, तो हमें गर्व है, हमें लोगों ने सम्मान दिया है और हम इसकी अब हम जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात निकल करके आ रही है, अगर आप देखेंगे रूसा की प्रोजेक्ट, रूसा की ग्रांट आई, कितने टीचरों ने अप्लाई किया, किसी को यह नहीं बताया गया कि वो ग्रांट किनको किनको मिला, क्यों आपको ग्रांट नहीं मिली। आप पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी राइज करे, उसका ग्राफ अच्छा हो, उसकी रैंकिंग अच्छी हो, और टीचर्स छोटे छोटे चीज के लिए जूझते रहते हैं, उनको यूसी नहीं मिलता है, उनको दिक्कत होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, उनको ये बात नहीं है, टीचर्स जाते हैं उनके पास, पूटा उनके पास जाती है, तो डे टू डे वर्किंग को सुधारेंगे तो अल्टीमेट वर्किंग जो है सुधरती है। हम उसके लिए छोटी सी मुद्दे के लिए संघर्ष के मोड में गए, हमने कई ऐसी चीज को 54 लेटर्स मैंने वाइस चांसलर साहब को लिखा पिछले एक साल में। मैं इस पैनल पर पूछना चाहता हूं, एक बार भी उन्होंने चिट्ठी की जवाब क्यों नहीं दी पुटा की। दूसरी बात मैं पूछता हूं, बुलाया क्यों नहीं, मुझे चांसलर के दफ्तर में जाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सर मैं प्रेसिडेंट पुटा बना हूं तो मुझे कम्युनिटी पूछती है कि भाई साहब आपको जब मैं इस इशू के लिए कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, आपने वाइस चांसलर से किस तरह से वो किए। सर तो आपको वर्क करना पड़ता है ग्राउंड पर, जितनी हमें तसल्ली है वर्क करके हम वो कर रहे हैं, टीचर्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, मुझे कोई किसी व्यक्ति की क्रिटिसिज्म में इच्छा नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट जो ग्राउंड पर दिखता है, मीडिया में दिख रहा है, जो परसेप्शन बाहर निकल के आ रहा है, जो स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे हैं, वो दैट इज रीजन ऑन द वॉल और वो आपको दिख रहा है। ये मैं चलिए वो रीजन दिख रहा है, मैं बस फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आता हूं। मुझे लक्की साहब ये बताइए कि जिस तरीके के हालात हैं, मंजीत जी ने भी बताया, मृत्युंजय जी ने भी बताया, ये लोग जी रहे हैं यूनिवर्सिटी को, इन लोगों ने यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है, यदि ये स्थिति है और यूनिवर्सिटी से पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म किया गया है, सीनेट और दूसरी बॉडीज नहीं है ऐसी स्थिति में, और कार्यवाहक लोगों से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की एक एक डिमांड को पूरा करना जिम्मेदारी होती है कुलपति की, कुलपति आचार्य होता है, लेकिन उस आचार्य ने सारी चीजें तोड़ दी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे। जी बात एक मिनट के लिए भूल जाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भूल जाइए, के लिए वाइस चांसलर और राजकुमार जी की जो कारगुजारी है उसको भूल जाइए, जो नैक कमेटी आती है एक्रेडिशन के लिए, वो नैक को आए हुए भी एक साल हो चुका है, और उस एक साल के बाद इंप्रूवमेंट्स का टाइम होता है कि आपने जो जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो कमियां पेश करके गई हैं, कमियां बता के गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए उसको उस कमेटी की रिपोर्ट्स को सीरियसली कंसिडर किया जाता है। एक साल हो चुका है नैक को गए हुए, अभी तक कोई स्टेप्स पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए नहीं गए कि यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब आप आ जाइए, समय जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वहां के इंप्लॉइज हैं, सारे दुखी हैं लोकतंत्र के अंदर। चलिए सारे दुखी हैं, मैं इसी पे एक मिनट सौरभ से आखिरी फाइनल कमेंट ले लेता हूं क्योंकि टाइम की सीमा है। सौरभ, जिस तरीके से मंजीत जी ने बताया, मृत्युंजय जी ने बताया, एचएस लक्की साहब अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इन सारी चीजों के बाद में आपको नहीं लगता कि एक निकम्मा वाइस चांसलर रख के आपने ना पार्टी का भला किया है ना दूसरी चीजें करी हैं, क्योंकि इससे एक गलत परसेप्शन बन रहा है। जी सौरभ जी, आप एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी एक कहीं ना कहीं अपने जो न्यूज एजेंसी को आप एक करता धरता आती हैं, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा शब्दों का ध्यान देना चाहिए, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं जब नहीं। मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ उस शब्दों को मैं मोल तोल के ही करता हूँ, जैसा नतीजा मुझे दिखाई दे रहा है उससे तो मैं निकम्मा कहूंगा, लेकिन यदि आपको लगता है नहीं है तो आप बताइए, जस्टिफाई कीजिए, मेरा तो सवाल है ये। सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर मैं जिस बहस पर हमारी शुरू हुई थी वो थी कि गिरता रैंक,
जब मैंने बोला कि दूसरा रैंक आया है उस पर किसी ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, खेलों के बारे में बोला गया उसके बारे में नहीं बोली थी। अब मैं इनको बोलता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने रिक्रूट किया 41 लाख का बच्चों को पैकेज दिया उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। यूबीएस के 102 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है, हाईएस्ट पैकेज उनको 3 लाख का मिला और सबसे नीचे वाले 9.5 लाख का मिला, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा। केओएस की रैंकिंग जो 36 कदम हम ऊपर उठ के गए हैं क्वालिटी रैंकिंग का केओएस का, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ मैं बातचीत जो देख रहा हूँ वो बातचीत कहीं ना कहीं जो मैं आभास कर पा रहा हूँ, जो हमारे दो शिक्षाविद बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनको ग्रजेस हैं वाइस चांसलर की वर्किंग को लेकर। तो मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं इनको वाइस चांसलर के ऑफिस में जाकर बातचीत करनी चाहिए। अब मैं एक और बात, मिलते नहीं है, मिलना नहीं चाहते जोशी जी। मैंने 15 दिन लगातार, चलिए चलिए जोशी जी, जोशी जी मैं आपकी बात को यहीं कंक्लूड करता हूं और मैं कहता हूं कि चलिए आप ये कोशिश कीजिएगा, ये दोनों लोग सामने हैं कि इनको मिलने का टाइम फिक्स कराइएगा, मिलवाइएगा और समस्या का समाधान कराइए और यूनिवर्सिटी फिर से अपनी शान के साथ खड़ी हो। और जो उपलब्धियां आप बता रहे हैं वो उपलब्धियां वास्तव में निश्चित रूप से मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ शैक्षिक माहौल भी सुधरना चाहिए। सिर्फ खेल या उससे नहीं, यूनिवर्सिटी सर्वज्ञ संपूर्ण विकास के लिए है और संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें मदद करेंगे और कूटा और दूसरे मंजीत जी जैसे लोगों से संपर्क करके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। चलिए इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं, फिर दोबारा मिलेंगे और देखेंगे क्या हुआ। धन्यवाद।